हेलो वेज प्रोग्रामर्स, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम ये देखेंगे कि यूजर्स कैसे वर्डप्रेस पे कमेंट करता है एंड कमेंट करने के बाद क्या वो जो कमेंट्स हैं वो डायरेक्टली वेबसाइट पर शो होते हैं कि नहीं होते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने ब्राउजर को ओपन करेंगे। ठीक है, ब्राउजर ओपन करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसके सर्च यूआरएल पे टाइप करूंगा लोकल होस्ट और मेरा वर्डप्रेस की जो साइट है वो वर्डप्रेस के अंदर फोल्डर में है, तो मैं वर्डप्रेस लिखूंगा फॉरवर्ड स्लैश लगा के सिंपल वर्डप्रेस लिखूंगा एंड एंटर कर दूंगा, तो मैं अपने साइट के जो फ्रंट पेज है उसमें आ जाऊंगा। ठीक है गाइस, ओके। अब मैं ये करता हूँ, पहले तो जैसे जो मेरा ब्लॉग्स है, ठीक, यहाँ पे सारे मेरे ब्लॉग्स हैं, 7 ब्लॉग्स हैं मेरे। ठीक है, अब मैं ये करता हूँ, यहाँ से पहले तो लॉग इन कर लेता हूँ। ठीक है, लॉग इन करने के मैंने फाइनल अपना ओपन कर लिया एंड यूजर नेम और पासवर्ड हम लिख देंगे, जो भी आपका पासवर्ड होगा वो पासवर्ड लिखोगे। ठीक है, एंड डैशबोर्ड ओपन कर लेते हैं। ठीक है, एंड डैशबोर्ड ओपन करते करते हम लोग पेज को एक बार रिलोड कर लेते हैं। ओके, रिलोड हो गया पेज। अब जस्ट लाइक मुझे सीएसएस के मैं एक ब्लॉग पे गया, मैं सीएसएस के ब्लॉग पे कमेंट करा। ठीक है, गुड। ठीक है, मैंने कमेंट करा गुड। ठीक, तो मोस्टली क्या होता है साइट्स में कि आप कमेंट करते हो तो आपका जो पोस्ट है कुछ वो साइट के साइट पे पहुंच जाता है। ठीक है, बट वर्डप्रेस में क्या होता है, जिसले किसी यूजर ने पोस्ट किया अगर, अभी तो मेरा पैनल ओपन है, ठीक है, तो अगर कोई यूजर पोस्ट पे कमेंट करता है तो उसका यहाँ पे कमेंट का सेक्शन जो होता है वो उसकी डिजाइन थोड़ी दूसरी होती है। एंड उसके बाद क्या होता है गाइस, आप जो यहाँ पे पोस्ट करोगे वो डैशबोर्ड के कमेंट सेक्शन में जाएंगे सारे पोस्ट। ठीक है, जस्ट लाइक मैंने कमेंट किया है अपने ब्लॉग पे, सीएसएस ब्लॉग पे, गुड। ठीक है, तो देखिए सर क्या कर रहा है, एक सीएसएस के अंदर दिखाया पोस्ट क्या है, सीएसएस। ठीक है, सीएसएस पोस्ट पे एक कमेंट हुआ है एच के द्वारा, ठीक, इसने टाइप करा है गुड। ठीक है गाइस, अब यहां से अगर मैं इसको अप्रूव कर सकता हूं, अभी तो ये अनअप्रूव्ड है, अगर अनअप्रूव करना तो अनअप्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, रिप्लाई कर सकते हैं, क्विक रिस्पॉन्स कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कुछ चेंजेस करना, स्पैम में जा सकता है ये, ट्रैश में। स्पैम क्या होगा गाइस, स्पैम में बहुत सारे मेल्स होते हैं जो यूजर्स के लिए इंफॉर्मेशन यूजेबल नहीं होती, जैसे लाइक अगर कोई साइट का प्रमोशन करे, कुछ भी एग्जाम्पल जो मेरे से रिलेटेड नहीं है, मेरी वेबसाइट से रिलेटेड नहीं है, उस चीज को मैं स्पैम में कर सकता हूँ। ट्रैशेस का क्या होता है, ट्रैशेस में आप जो आपका जो कमेंट है वो एक तरीके से डिलीट हो जाता है, पूरी तरीके से डिलीट नहीं होता है बट हाँ डिलीट हो जाता है। ठीक है गाइस, तो मैं भी क्या करता हूँ, अब आपको दिखाता हूँ। अभी तो मेरा पैनल जो है वो ओपन है। ठीक, अब मैं करता हूँ पैनल को एक बार लॉग आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ से पैनल को लॉग आउट कर दिया गाइस, एंड मैं यहाँ क्या करूंगा, एक बार पेज को रिलोड करूंगा। ठीक है, पेज को रिलोड करा तो साइट तो गई है पूरी, कमेंट यहाँ 5 है। एंड देखिए गाइस यहाँ क्या हुआ, जो कमेंट का पैटर्न था, इंफॉर्मेशन जो थी वो चेंज हो गई। क्यों, क्योंकि अब वो यूजर है। ठीक, जैसे अब मैं यहाँ पे यूजर हूं तो मुझे अगर कुछ कमेंट करना होगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से जैसे मैं कमेंट करूंगा यूजफुल इंफॉर्मेशन। ठीक, यूजफुल इंफॉर्मेशन लिखा एंड यहाँ पे मैं नेम लिख दूंगा, नेम मैं लिख देता हूँ पवन। ठीक है, एंड आईडी डाल देता हूँ मैं pavan@gmail.com। ठीक, एंड वेबसाइट में डाल देता हूँ www.google.com। ठीक है, अब देखिए इसने क्या बोला, चेकबॉक्स पे सेव माई नेम ईमेल एंड वेबसाइट इन दिस ब्राउजर फॉर द नेक्स्ट टाइम कमेंट। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आई कमेंट मैं पोस्ट कर देता हूँ। ठीक, तो देखिए गाइस क्या हुआ, ये यहाँ पे तो जो मेरा कमेंट था पवन नाम से स्टोर हो गया। ठीक है, पर अभी क्या हुआ गाइस, ये अप्रूव नहीं हुआ है। ठीक, अप्रूव करने के लिए क्या करना होगा,
नॉर्मल से जाऊंगा मैं एच पे जाऊंगा, पासवर्ड लिखा मैंने, ठीक है गाइस, पासवर्ड के बाद मैं सिंपल से एंटर करूंगा एंड लिखे बताइए। एक कमेंट आया मेरे पास, एक किसका कमेंट है, पवन का। यहां से मैं अप्रूव कर सकता हूँ, रिस्पॉन्स कर सकता हूँ, सॉरी रिप्लाई कर सकता हूँ, एडिट करना चाहो तो एडिट कर सकता हूँ, खुद एडिट कर सकता हूँ, स्पैम ट्रैश कुछ भी कर सकता हूँ। ये उसकी मेल आईडी है, ये उन्होंने जो यूआरएल दिया वो है, ठीक। चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अप्रूव कर देता हूँ, ठीक है। अप्रूव करने के बाद क्या होता है, देखिए अप्रूव हो गया, यूजफुल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी पे रिप्लाई देता हूँ, मैं रिप्लाई देता हूँ, थैंक्स थैंक्स थैंक यू पवन, ठीक है, एंड रिप्लाई कर देता हूँ। रिप्लाई हो गया, पेज को जैसे हम रिलोड करेंगे तो देखिए पवन के कमेंट पे जो मेरी वेबसाइट मतलब एडमिन एडमिन ने कमेंट किया थैंक यू पवन, ठीक। अब मैं चाहता हूँ जो ये पवन का कमेंट है, ठीक है, मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ, तो मैं क्विक क्विक एडिट पे जा सकता हूँ या फिर एडिट पे जा सकते हैं हम लोग, ठीक है, बाय बाय पोस्ट, ठीक, पोस्ट करा मैंने एंड नीचे जाकर तो मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है, एंड मैं पेज को जैसे ही रिलोड करूंगा तो देखिए गाइस यूजफुल इंफॉर्मेशन बाय पोस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्विक एडिट भी कर सकते हो, एडिट पे जाना है तो आप एडिट भी कर सकते हो। यहाँ पे नेम है पवन का, ठीक, उनकी ईमेल आईडी है, उनका यूआरएल जो उन्होंने यूआरएल दिया, ठीक है। अब इसको बोल्ड में करना है, इटैलिक करना है, जो भी आपको करना हो वो कर सकते हो, आप यहाँ से अपडेट कर दो। अपडेट करने के बाद तो देखिए गाइस ये बोल्ड भी हो गया, इटैलिक भी हो गया, ठीक है। तो ये भी चीज हम कर सकते हैं वर्डप्रेस के थ्रू। अब जब सपोज मैं चाहता हूँ मुझे ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल नहीं लग रही, मैंने इसको डिलीट कर दिया, ट्रैश में चला गया, ठीक। अब देखिए गाइस जो पवन का जो कमेंट था, पवन के कमेंट के साथ 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 ही साथ सॉरी पवन के कमेंट के साथ ही साथ जो एडमिन का कमेंट है वो भी इनविजिबल हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने जैसे पोस्ट किया, ठीक, ठीक है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ नहीं, मेरे को कमेंट चाहिए, कमेंट जो मैंने डिलीट करे हैं अगर मुझे वो वापस चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ट्रैश अंडू का ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है, तो मैं यहाँ से अंडू कर सकता हूँ, ठीक। ये ऑप्शन हमको मिलता है वर्डप्रेस पे कि हम उसको अंडू भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो गाइस हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए गाइस ये अप्रूव्ड का मैसेज है, यहाँ पेंडिंग है, यहाँ माइंस है, यहाँ स्पैम है, या ट्रैशेज है। ट्रैशेज में एक मेल दिखा रहा है, हियर योर लर्निंग वे इज गुड, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, उसको रिस्टोर करना चाहता हूँ तो रिस्टोर भी कर सकता हूँ। रिस्टोर करने के बाद क्या करते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वर्डप्रेस में कमेंट्स को जो एडमिन है वो चेंज कर सकता है, एडिट कर सकता है, क्विक एडिट कर सकता है, ठीक है, रिस्पॉन्स कर सकता है यूजर को, ठीक है, और साथ ही साथ वो उसके जो उसका कमेंट है उसको अप्रूव डिसअप्रूव कुछ भी कर सकता है। तो आई होप गाइस आपको मेरी ये वीडियो कमेंट के ऊपर पसंद आएगी, पसंद आएगी तो गाइस तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।